नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। औरंगाबाद जिले के ढीबरा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई लूटपाट की घटना का 48 घंटे के अंदर ढीबरा थाना की पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। घटना की जानकारी देते हुए सदर SDPO 2 अमित कुमार ने देव थाना में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरी जानकारी दी है, सुनिए। ये घटना जो है एक लूट की घटना हुई थी ढीबरा थाना अंतर्गत। ये 5/6/2024 को करीब रात्रि में 8 बजे जो हमारा वादी है तपेंद्र कुमार जिनका घर हो गया सलैया थाना में, और ये अपने ससुराल ढीबरा थाना अंतर्गत जाते हैं, तो वहीं पर बी मोड़ के पास करीब 8 बजे रात्रि को 3 अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा इनसे लूट की घटना की जाती है। इनका मोटरसाइकिल और मोबाइल दोनों छीन लिया जाता है। फिर उनके साथ ही बैठे हुए पीछे उनके एक लोकल जो गांव के होते हैं वही पहचान कर पाते हैं, जिसे अभियुक्त का तीनों अभियुक्त का पता चल पाता है। ये तीनों अभियुक्त का नाम जो है इस प्रकार है, एक प्रिंस कुमार प्रेम कुमार और एक ट्विंकल कुमार, पिता महेंद्र सिंह, ग्राम मलहारा थाना देव। तो घटना का पता जो है हम लोग को 7 तारीख को थाना में वादी जो है आते हैं, इसी वजह से 7/6/2024 को इसका FIR दर्ज होता है और तत्क्षण हम लोग जो टावर डम्प CDR इस सब का अवलोकन करके एक पुलिस अधीक्षक महोदया औरंगाबाद के निर्देशा में एक SIT टीम की गठन किया जाता है, जिसमें 2 थाना प्रभारी SHO देव और SHO ढिबरा के अंतर्गत लगातार रेड और छापेमारी की जाती है। इसी में ट्विंकल कुमार का पता चलता है, तो देव थाना प्रभारी अपने टीम के साथ और ढिबरा थाना प्रभारी दोनों मिल करके रेड करते हैं। उसमें हम लोग को मोटरसाइकिल भी मिल जाता है और तीनों में से एक अभियुक्त ट्विंकल कुमार जिस मोबाइल को छीना गया था, मोबाइल के साथ हम लोग गिरफ्तार कर करने में सफल हो पाते हैं और इस तरीके से ही कांड का पूरा उद्भेदन हो गया। जो लूटा हुआ मोबाइल बरामद हो चुका है, लूटा हुआ मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया और बाकी जो फिरार अभियुक्त है उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज पाएंगे। तो इस तरीके से बरामद प्रदर्श की विवरणी जो है, रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन, दूसरा हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल, और इसमें जो ये तीनों अभियुक्त है इसका आपराधिक इतिहास भी ठीक ठाक है और इसमें जो है पहले इन पे भी कई सारे चोरी और छिनतई के केस दर्ज हैं। साथ में ये हमारे जो छापेमारी दल में जितने भी पदाधिकारी हैं और सिपाही हैं वो इस प्रकार है, देव थाना प्रभारी विकास कुमार, ढिबरा थाना प्रभारी रितेश उपाध्याय, PSI सब इंस्पेक्टर पवन कुमार, सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार, सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार, सब इंस्पेक्टर सूरज कुमार, सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार, और हमारी DOA की टीम इसमें पूरी सहयोग की थी। साथ में सिपाही जो है, सिपाही सुमित कुमार, चंदन कुमार।